पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, कहीं तेज बारिश, कहीं आलाबारी और कहीं बूंदाबांदी। तेज हवाओं और बारिश ने गर्मी का तोड़ दिया जोर, कहीं आंधी से गिर पड़े दरख्त, कहीं बिजली साथ गई छोड़। फैसलाबाद में फेस्को के 80 फीट ट्रक, शहर भर में अंधेरा खो। कराची में बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया कि इलेक्ट्रिक बिन कासिम थर्मल पावर स्टेशन का खराब यूनिट बहाल करने में नाकाम। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना और सनती इलाकों में भी बिजली का तातुल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। बिजली बंदिश की वजह से ट्रैफिक सिग्नल निजाम और स्ट्रीट लाइट्स भी मुतासिर। फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो मुकम्मल और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद तर्जुमान पाक फौज ने न्यूज लीक्स के मुतालिक ट्वीट वापस ले लिया। DGISPR कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म फाइनल अथॉरिटी हैं, उनके अहकामात पर अमल होना चाहिए। उधर हुकूमत के नए नोटिफिकेशन में परवेज रशीद के खिलाफ कार्रवाई की तायीद, राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई, तारिक फातिह को ओहदे से हटाने की सिफारिश। इमरान खान कहते हैं न्यूज लीक्स फौज और हुकूमत का आपस का मामला नहीं था, ये कौमी सलामती का मामला था। मामले में ऐसा क्या था जिसे हल किया गया? एतजाज अहसन कहते हैं हुकूमत मरियम नवाज को बचाने में कामयाब हो गई, लगता है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हो गए। हम इनसे नहीं घबराते, ना कभी पहले कभी घबराए हैं। पहले घबराए हैं ना आइंदा घबराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं धरने क्यों और किस लिए हैं? पाकिस्तान की तकदीर के साथ मत खेलो, हम अंधेरों को खत्म कर रहे हैं, रुकावट मत खड़ी करो। पाकिस्तान मजबूत मईशत बनकर उभरेगा, आजाद कश्मीर में बड़े मंसूबे शुरू होने वाले हैं। एहसानुल्लाह एहसान के इंटरव्यू का मतलब हीरो बनाकर पेश करना नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं नौरीन लगारी को दहशतगर्दी के लिए उकसाया जा रहा था, लाशों की बेहुरमती का भारतीय इल्जाम झूठा है, अफगानिस्तान बरादर मुल्क है, फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, 2020 के दौर में है, ट्वीट पैगाम रसानी का तेज रफ्तार जरिया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, कराची से मुल्क भर में माल की तरसील बंद। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का मुतबादल रास्ते फराहम करने और ट्रैफिक पुलिस की भत्ता वसूली बंद करने का मुतालबा। DIG आसिफ शेख के ट्रांसपोर्टर से मुजाकरात बेनतीजा, वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह कहते हैं हड़ताल से इंतजामी तौर पर निमट सकते हैं। कराची समेत सिंधर में आज CNG स्टेशन बंद रहेंगे। स्वी सदरन गैस कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक को 140 की जगह औसत 107 MMCFD गैस फराहमी शुरू हो जाएगी। गैस प्रेशर में कमी की वजह से सिंध भर के CNG स्टेशन आज बंद रखना पड़ेंगे। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने बैंक का सफाया कर दिया, 5 डाकू बैंक में घुसे, असलहे के जोर पर अमले और खातेदारों को यरगमाल बनाया और 72 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। उधर लाहौर के इलाके शादरा में डाकू कैश वैन से 1,66,00,000 रुपए लूट कर फरार। मदीना मुनव्वरा में शबे बारात के मौके पर बारान रहमत, हवाओं और बारिश के नतीजे में मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला खासी देर तक जारी रहा। शहरयार खान ने कराची वालों की उम्मीदों पर ओस गिरा दी, सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर वर्ल्ड 11 का मैच ना होने की खबर सुना दी। कहते हैं भारत के साथ सीरीज खेलने का कानूनी मुआहिदा था, मजीद नोटिस भेजेंगे, बुकीज से राब्तों वाले हर खिलाड़ी को कचहरे मिलाएंगे, यूनस और मिस्बा को शायान शान तरीके से रुख्सत करेंगे। मिस्बाउल हक और यूनस खान के करियर का आखिरी टेस्ट मैच, दोनों स्टार क्रिकेटर्स आखिरी मैच को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। कौमी टीम के वेस्ट इंडीज के खिलाफ मोहतात बल्लेबाजी, खाने के वक्फे पर एक विकेट के नुकसान पर 70 रन बनाए थे। दूसरे सेशन का खेल बारिश के बाद तातुल का शिकार।
جسٹن ٹروڈو کے بعد حارث خان ٹروڈو پشاور کا ایک نوجوان کینیڈین وزیراعظم سے اس قدر متاثر ہے کہ اپنے نام کے ساتھ ٹروڈو جوڑ لیا۔ سوشل میڈیا پر ہو یا عمومی زندگی، دسویں جماعت میں یہ طالب علم اپنے آپ کو حارث خان ٹروڈو کہلوانا پسند کرتا ہے۔ بالی ووڈ فلم باہو بلی ریلیز ہوئی تو خوب چلی۔ اب بھارت کی مختلف زبانوں میں ریلیز ہونے والی فلم باہو بلی 2 کا بخار بھی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ایک بھارتی کمپنی باہو بلی کے جنون میں ایسی مبتلا ہوئی کہ فلم نہ دیکھنے پر ملازم کو برطرف کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بھارتی فلموں کو بھی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جانے لگا۔ able to hold off his man, it's going to fall back to the feet of Ronaldo. He's letting it go. Ronaldo hat-trick. اور دنیائی فٹ بال کے بڑے ستارے میڈرڈ میں اکٹھے ہوں گے۔ چیمپئنز لیگ سیمی فائنل مرحلے کا آخری ٹاکرہ شروع۔ ریال میڈرڈ کے کرسٹیانو رونالڈو جادو جگائیں گے یا اٹلیٹکو کے انتھونی گریزمن ماریں گے میدان؟ دوسری فائنلسٹ ٹیم کا فیصلہ کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ گولز ایوریج پر ریال میڈرڈ کو اٹلیٹکو میڈرڈ پر برتری۔